कैसा कैसे वो आती थी, कैसे गाते थे सुधाकर जी? नमस्कार दोस्तों, बहुत ही एक ये ऐसी एक घड़ी है, इसको खुशी की कहूँ कि गम की कहूँ कुछ पता नहीं। एक तो शोमा जी ने इतना खूबसूरत गाना बनाया लता जी के ऊपर, फिर इतने सिंगरों को गवाया, और अनिल जी ने जिस तरह से व्यवस्था इतनी तुरंत की, ये सिर्फ लता जी के नाम का करिश्मा है, वरना कोई ऐसे कर नहीं सकता, हो नहीं सकता। मेरा सौभाग्य है कि मैं लता जी से एक बार नहीं अनेकों बार मिला हूँ, और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जब मैं असिस्टेंट था तब भी, और जब मैं डायरेक्टर बना तब भी। लता जी, आपने शायद वो स्टूडियो नहीं देखा, नहीं तो आप इमेजिन कीजिए कि एक स्टूडियो होता था ताड़देव पे फेमस, और वो फेमस के जस्ट पीछे ही रहती थी। तो लता जी जब आती थी तो उनका एक खास लिबास होता था, कॉटन की साड़ी कलफ की हुई, चप्पल विदाउट हील, और उनके पर्स में कुछ रुमाल होते थे सफ़ेद। और जब वो एंट्री करती थी, क्योंकि उसका कोई स्टूडियो का कुछ ऐसा कुछ लॉन वगैरह नहीं था, डायरेक्ट एक डोर के बाद सीधा स्टूडियो आता था, तो वो मुझे ऐसा लगता है हर दीवार को नमन करती थी। अपने स्पीकर माइक दीवारें पर्दे, पता नहीं उनके मन में ऐसा लगता था कि ये सब मेरे साथ हैं। उनका एक ईरा वहाँ से शुरू हुआ था, मीनू कार्तिक जी का वो स्टूडियो बनाया हुआ था, लता जी जब शुरू शुरू में उनका कैरियर शुरू हो रहा था तब उस स्टूडियो में उन्होंने गाना गाया, वो स्टूडियो में उनको जब आगे बढ़ी तो कितने फिल्म फेयर मिले, वो स्टूडियो में आने के बाद उनका बरसात की रिकॉर्डिंग भी वहीं हुई थी, मीनू कार्तिक जी उनके वो थे, लता जी ने काफ़ी उस स्टूडियो में काम किया। तो हम लोग उनके सिर्फ दर्शन करने के लिए, जो हम लोग असिस्टेंट डायरेक्टर थे तो पहले पहुंच जाते थे, क्योंकि वो स्टूडियो में एक बार लता जी आ गई तो उसके बाद चटकनी बंद हो जाती, कोई अंदर नहीं आ सकता था। एक मौका ऐसा आया कि मेरी एक फिल्म थी जिसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन के शंकर जी थे, मैंने शंकर जी से बोला कि एक गाना इसमें दीदी से हम गवाएंगे, तो उन्होंने कहा हाँ गवा लेंगे, कोई टेंशन नहीं। मैं दीदी से मिलने के लिए घर गया, इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो घर पे नहीं थी, और मुझे फ़ोन करके जाने में ज़रा बड़ा वो होता था, क्योंकि फ़ोन पे बहुत आसानी से ना हो जाता है। मैंने उनके ड्राइवर को पकड़ा और पूछा कि उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ है। फेमस में मैं जाके आया था, फिल्म सेंटर जाके आया था, उस दिन उनकी रिकॉर्डिंग बॉम्बे लैब में थी। मैं सीधा बॉम्बे लैब चला गया और मैंने इंतज़ार किया कि लता जी कब गा के निकलें और कब पैर छू के मैं उनको पकड़ लूँ। तो बड़ी देर के बाद मैं जब उनको देखा वो निकल रही हैं, तो कुछ काम अपना म्यूजिक डायरेक्टर से बात कर रही थी, इकबाल कुरैशी साहब का कुछ काम चल रहा था, तो वहाँ से जब वो निकली तो मैं उनके आगे आ गया। मैंने कहा ये तो सब बड़े बड़े लोग हैं, अगर इनके सामने क्या बात करूँगा, क्या अकेले में मुझे मौका मिला तो मैं बात करूँ। तो जैसे ही आया तो वो लोग गाड़ी तक छोड़ने आए, मौका ही नहीं मिला, तो पता लगा वापस वो घर गई हैं। मैं वापस वहाँ से घर आया, और उन दिनों ये सब बस सर्विस में हो रहा था। जब मैं घर आया तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आप तो स्टूडियो में थे, फिर यहाँ आए वहाँ कोई बात नहीं की। बोला दीदी बात ऐसी है कि मेरी एक फिल्म शुरू हो रही है और आपको एक गाना गाना है। अच्छा अच्छा, तेरी फिल्म शुरू हो रही है, मुझे गाना गाना है? हाँ जरूर गाऊंगी, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है? तो मैंने कहा शंकर जी। अच्छा गीत किसने लिखा है? गीत लिखा तो मैंने था, मैं डर के मारे बोल दिया हजरत जयपुरी साहब, क्योंकि हजरत साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरा उनसे काफ़ी दोस्ताना भी था। मैंने कहा उनका नाम लूँगा तो चलेगा, मैंने कहा हजरत साहब ने लिखा है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है, कब करना है? यानी कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे मुझे सदियों से जानती है और मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा, और मेरे को शर्म आ रही है कि मैं
मतलब मैं नर्वस हो रहा हूँ कि क्या बात करूँ, कब गाना है मुझे खुद नहीं मालूम कब गाना है। मैं तो ओवर स्मार्ट बन के शंकर जी को बोल के खुद अपनी कोशिश में था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा दीदी मैं बताऊंगा आपको, तो बोले ठीक है तुम तो जो है ना एक काम करना, कल मेरी रिकॉर्डिंग है इधर बॉम्बे लैब में, कल वहाँ पे आके बात कर लेना। तो नेक्स्ट डे से पहले मैं शंकर जी को मिला और मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे मैंने पीछा करते हुए ये सब बातें कर ली हैं, वो गाना गाने के लिए तैयार है। शंकर जी हंसने लगे, बोले तूने ये क्या किया, वो गाना गाने के लिए कब ना बोलेंगे, मेरा गाना गाने के लिए ना बोलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन दिनों मोबाइल तो थे नहीं, तो उन्होंने कहा मैं बात कर लूँगा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मुझे डर था, क्योंकि मुझे डर ये था कि ये बात करेंगे नहीं, गाना गाएंगे नहीं। मैं जैसा उन्होंने कहा था मैं बॉम्बे लैब चला गया, और बॉम्बे लैब जाने के बाद मैंने उनसे बात की। उन दिनों उनकी प्राइस क्या थी मुझे मालूम नहीं। उन्होंने बोला बेटा तेरी पहली फिल्म है, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं शंकर जी से बात तेरा गाना गाऊंगा। एक देवी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका जन्मदिन मनाना, उनको याद रखना, मैं तो समझता हूँ हम फिल्म वालों के लिए वो एक सरस्वती मूर्ति हैं, जिनको हम लोग पूजा में रखना चाहिए। उनके नाम की इतनी बड़ी बात है कि लता जी ने जिस तरह से गाने गाए, जब वो माइक अपने माइक पे आती थी सबसे पहले चप्पल निकालती थी, सर पे पल्लू लेती थी, कभी मैंने उनको विदाउट पल्लू और चप्पल पहन के गाते हुए नहीं देखा। ये सब बातें दिखावा नहीं था, ये उनके अंदर की भावना थी जो उनके गानों में दिखती है। एक बार और हम एक गाना कर रहे थे, राम की गंगा का गाना था वो, तो मैं गाना लेके उनके पास गया और मैंने उनको गाना दिया, तो उनका बोला ये तो पंडित जी का लिखा हुआ है, पंडित नरेंद्र शर्मा जी का। मैंने कहा जी हाँ उन्हीं का लिखा हुआ है। बोले उनका गाना मेरे पास कल ही आ गया था, पंडित जी ने पहले भेज दिया होगा। तो मेरे को उन्होंने बोला कि तू बहुत भाग दौड़ करता है, असलियत में करता क्या है। मैंने कहा मैं वैसे असिस्टेंट हूँ और किशोर दा के यहाँ जो है ना मैं सर्विस करता हूँ। बोले हाँ मैंने तुझे देखा है। तो उन्होंने कहा कि ये गाना जो है ना ये मैं गाऊंगी कोई बात नहीं, और पैसे भी नहीं लूंगी। मैंने कहा दीदी ये मेरा वो वाला गाना नहीं है, ये प्रोड्यूसर है आपको सब कुछ देगा, ऐसा देगा ये देगा, फेमस में गाना गाने आई। और इतने प्यार से उन्होंने गाना गाया, क्योंकि नया प्रोड्यूसर था। तो वो जो यादें हमें आती हैं हमारे स्ट्रगल टाइम की, कि देखिए जब हम कुछ नहीं थे तब उन्होंने 2 गाने इस तरह से हमारे गाए, और आज वो यादें हमारे साथ हैं। हमको लगता है कि आज जो भी कुछ हम हैं शायद उनका एक ऐसा आशीर्वाद था जो हमें मिला और हमारे साथ उन्होंने काम किया। लास्ट लास्ट में भी जब हम लोग उनसे मिलना चाहते थे तो ऐसा थोड़ा सा समय आ गया कि वो किसी से नहीं मिलती। मैं एक बार उषा जी से मिलने गया, उनसे कुछ काम था मुझे, और मेरा सौभाग्य कि मैं उनको सामने देख सका। मैं उठ के वहां तक गया और उनके पैर भी छूए। तो मैं समझता हूँ कि उन देवी का आशीर्वाद है हमारे संगीत के ऊपर, हमारे संगीतकारों के ऊपर, हमारे गीतकारों के ऊपर। सदियों सदियों तक उनकी आवाज़ हमारे गानों में गूंजती रहेगी, हमें वो लम्हे याद आते रहेंगे जो हमने उनके साथ बिताए थे, वो मौसम याद रहेगा जब उनके नगमे हमने पर्दे पे पिक्चराइज किए थे, और हमें ऐसा लगता था कि लता जी साक्षात हीरोइन जो गा रही है वो ही गा रही है, लता जी नहीं गा रही है। इस तरह जो उन्होंने हमें प्यार दिया, जो काम दिया, और फिर एक बार अनिल जी को और शोभा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये जो बीड़ा उठाया है, कम से कम इतना बड़ा प्रेस आप लोग सब आए हो ये बड़ी बात है। जीते जी तो हर कोई दरवाजे पे भीड़ लगाता है, जाने के बाद जो आता है वही पहचानता है। धन्यवाद।
पर बेताब अपनी कली को बचना कब बात हर रोज कभी ऑफिस में कभी बस की कतार में कभी सड़क पर भीड़ का बेहया हाथ कोशिश करता है मुझ तक पहुंचने की और मैं तुम्हारे सीखे दुपट्टे में सी दिल सो मचता है तेरी ये वो तो
सारी दुनिया, सारी दुनिया में आवाज का झूठ है, दरिया बादल हवा नदी सब बोला करते, पंछी पीपल पेड़ परिंदे सब बतियाते, आसमां से नाद उतरता प्रतिपल जग में, इंसानों को छोड़ सभी उसकी धुन गाते। इंसानों को सिर्फ बोली की आदत है, इंसानों की आवाज़ें बस शराबा, अगर तुम इस दुनिया सौभाग्य है कि मैं इसको कुछ तरीके से अंजाम दे पाया। देखिए, टू डू समथिंग फॉर अ लेजेंड हम कोई नहीं, हम सब वो साधारण लोग हैं जो जरिया बन सकते हैं कुछ करने के लिए। बट अगेन कमिंग बैक टू व्हाट आई टोल्ड यू, टू डू समथिंग और अदर कम फॉरवर्ड फॉर डूइंग समथिंग फॉर अ लेजेंड इज जस्ट इम्पॉसिबल। लता दीदी, लता ताई, लता माँ, अल्फाजों की कमी है उनको एड्रेस करने में। दादा ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि वो इनका सौभाग्य था कि उनसे कई बार मिले। मैं वो खुशनसीब नहीं रह सका क्योंकि मेरी मुलाकात उनसे एक बार भी नहीं हो पाई। आई डिड ट्राई माई बेस्ट टू मीट हर बट आई फेल्ड मिजरेबली। But nevertheless, इस मुकाम पे उनको इस तरीके से याद करना वो भी मेरा सौभाग्य रहा। थैंक्स टू सो मच अगेन हु थॉट कि वेदर प्रोबेबली दिस अनकॉमन मैन इज वर्दी इनफ टू डू समथिंग। थैंक्स टू ऑल यू मीडिया फ्रेंड्स हु कुड कम टुगेदर टू कंपाइल दिस थॉट एंड टेक इट फॉरवर्ड। आपसे भी जानना चाहूँगी आज ये गाना आपने बनाया है।
You just said it. To compile all these people together is a big thing. आपने खुद कहा अनुराधा जी आज नहीं आ पाई. Now it's over to you. जब आर्टिस्ट सिलेक्शन हो रही थी तो मुझे गुरुजी ने यानी ओमा जी ने कहा कि हम उस इरा के सिंगर्स को लेंगे जिन्होंने लता जी के साथ कंटेम्प्रेरी रहे, गाना गाए उनके साथ, क्योंकि उनकी भी अपनी एक प्लेस है कि लता जी ने इतना हाई स्टैंडर्ड रखा था, उसमें मैच करना भी उसके लिए भी बहुत क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती थी. लेकिन जब हमने अनुराधा जी को पूछा, जब हमने साधना जी को पूछा, जब मैंने आरती मुखर्जी को पूछा, जब मैंने अनुपमा जी को पूछा, वो बहुत रेडिली एक्सेप्ट किए गाना गाने के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये लता जी के लिए किया उन्होंने, क्योंकि ये गाना बन रहा था लता जी को ट्रिब्यूट के लिए. दे एग्रीड, एकदम इंस्टेंटली एग्री किया, किसी ने कोई टेंट्रम्स नहीं किया, सीधा उन्होंने गाया, आके गाए. वो आज भी आते वो, लेकिन ऐसा मौका है कि सबके घर में कुछ ना कुछ मसरूफियत है, ये पीरियड ही ऐसा है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और उनके सपोर्ट की वजह से ये गाना इतना खूबसूरती से निखर के आया है. तो आई हैड अ वेरी स्मूथ सेलिंग विद देम. So Maji was fortunate enough. What would you like to say? मैं क्या उनको बोलूँ. एक बात मैं शोमा जी के बारे में कहना चाहता हूँ. इनको कोई काम मिला एज ए म्यूजिक डायरेक्टर. तो इन्होंने एज ए लिरिक राइटर मुझे बुलाया और पूछा कि मेरे को एक काम मिल रहा है, लेकिन मैं अब ये सिंगर के नाम से बहुत फेमस है हमारी लाइन में, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए. मैंने कहा म्यूज़िक डायरेक्टर का मिल रहा है तो म्यूज़िक डायरेक्शन करो, पता नहीं कौन कहाँ निकल जाता है. मैं भी पहले डायरेक्टर था, किसी ने नहीं पहचाना, लिरिक राइटर बना, सब ने पहचान लिया है, तो ऐसा होता रहता. तो कह नहीं, लेकिन ये तो बहुत टफ है मेरे लिए, आप मेरे साथ काम करोगे? मैंने कहा अभी से शुरू कर देता हूँ, तो बता क्या करना है. तो हम लोगों ने कुछ भजन बनाए थे और वो भजन मैंने शोमा जी के साथ लिखे, इन्होंने कंपोज किया. और आज मुझे एक खुशी की बात यह है कि लता जी को ट्रिब्यूट देने के लिए जो गाना इसने कंपोज किया, फैंटास्टिक, इतना सुंदर काम किया है. तो मैं समझता हूँ कि लता जी आज हमको कुछ दे के गई हैं, उनके पद चिन्हों पर एक कदम और आगे शोमा बनर्जी को चलना चाहिए. इंडस्ट्री को अच्छे गाने दें, इंडस्ट्री को एक अच्छी तरीके से अपनी पहचान बनाएं और हमारी इंडस्ट्री की भी पहचान बनाएं, क्योंकि बहुत कम लेडी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं. उषा जी थी, अभी वो काम नहीं कर रही हैं. मैं समझता हूँ कि लता जी का ये बर्थडे सेलिब्रेट करते करते मैं चाहता हूँ कि अगले साल तक आपके हिट गानों को भी सेलिब्रेट करेंगे. जी 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 जी. तो नए जो स्ट्रगल दौर में करते थे, तो लता दीदी उस दौर में किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ने की कोई टिप्स देती थी, नसीहत देती थी? देखिए, लता जी की सबसे बड़ी टिप्स तो मैं ये है कि जो उन तक पहुंच गया कभी उसको निराश नहीं किया ना, जो जिसने दे दिया उन्होंने ले लिया. कभी उनकी प्राइज नए लोग तो दे नहीं पाते हैं, आज भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन लता जी ने कभी ऐसा कभी नहीं हुआ. मैं कम से कम ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लिरिक राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कि लता जी तक पहुँचने के बाद उनका गाना लता जी ने ना गाया. जबकि जैसे कि मैं एक फिल्म में आशा जी को गाने के लिए अप्रोच करने गया, तो उन्होंने छुट्टे ही मेरे को बोला, दीदी का हो गया? तो मैंने बोला नहीं, पहले आपका होगा फिर उनका होगा. तो अभी लोग जो है ना, एक दूसरे के लिए, उन दोनों में इतना प्यार भी था, उन दोनों में इतनी घनिष्ठता भी थी, बाहर तो पता नहीं लोग जो भी बोलते हैं. पर लता जी ने जिस तरह से साथ दिया म्यूज़िक डायरेक्टरों का, जैसे एक म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए गाना जब गाया
तो एक हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे एसआर राजन जी, उनका एक गाना था, तो वो लता जी के घर आते जाते थे, वो बहुत बड़ा उनका नाम था, हुसनलाल भगत राम मास्टर उनके वो जो थे पंडित अमरनाथ, हुसनलाल भगत राम जी के बड़े भाई, वो उनके शागिर्द थे। तो बॉम्बे में आने के बाद उनका अपना एक रुतबा था, तो वो गए उनके पास, तो मैंने पहला शख्स देखा था जो लता बोल रहे, वरना जी और दीदी तो सभी बोलते। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप गाने की चिंता छोड़ दीजिए, वो तो मैं गा ही दूँगी, आप पहले ये सुनाइए बच्चे कैसे हैं आपके, भाभी कैसी है, घर कैसा चल रहा है, आपकी तबीयत कैसी, पूरी घर गृहस्थी की बात कर रही थी वो। गाना तो उन्होंने कहा ठीक है मैं गा दूँगी, और जब वो चलने लगे वो बोली ठहरो, वो अंदर गई और एक लिफाफा निकाल के लाई और वो उनको कहा कि आप मेरी तरफ से ले जाइए। हमने जब आगे वर्सोवा में देखा तो उसमें 11,000 रुपये, तो वो ब्लाइंड थे और अपना ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे। तो लता जी ने जितनी हेल्प नए लोगों की है, मुझे नहीं लगता कि उस दौर में, हालांकि सबने की, रफी की, मन्नारदा ने की, पर लता जी का एक था कि उनको थोड़ा पीछा लग के अगर एक बार उनके कानों तक बात पहुंच जाए कि अगर लता जी गाना गाएंगी, कितने म्यूजिक डायरेक्टरों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने सिर्फ लता जी को ये कहा कि अगर दीदी आप गाना गा देंगी तो मुझे पिक्चर मिल जाएगी, तो ऐसे भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए और विदाउट फीस गाए। गाने के बारे में बताना चाहेंगे जो आप आए थे, लता जी का ऐसा कौन सा गाना है जिसको हम गुनगुनाना नहीं पाएंगे, लेकिन मैं एक गाना इसलिए आपको बता सकता हूँ कि लता जी का एक गाना जो मैंने, मतलब मैंने सबसे पहली बार सुना, क्योंकि मैं गांव में तो ऐसा सब शहर जैसा माहौल नहीं था, लेकिन जब मैं दिल्ली पढ़ने तो मैंने पहली बार जो गाना सुना वो गाना था घर आया मोरा परदेस। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, लता जी के नाम पे चौक का नाम क्या, हम तो कहते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जितना भी म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं, हम लोग तो कभी भले ही चौक और गलियों के नाम ना हो, हम जहाँ सरस्वती को याद करते हैं लता जी को भी उतना ही करते हैं। हमारे लिए इससे बड़ी सरस्वती हो ही नहीं सकती, और देखिए जिस दिन वो गई हैं उस दिन सरस्वती पूजा थी, यानी कि सरस्वती पूजा के दिन ही हमारी सरस्वती जो है ना हमारे यहाँ से गई है, और हम ये चाहते हैं कि वो फिजिकली गई हैं लेकिन आत्मिक जो है ना हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू।